जमियत उलमा नागपुर की ओर से आयोजित की गई है। हमारे साथ यहाँ पर जमियत उलमा नागपुर के अध्यक्ष हाफिज मसूद अहमद साहब हैं, जो कि महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष भी हैं। अब्दुल बारी पटेल साहब हैं, जो जमियत उलमा नागपुर के उपाध्यक्ष हैं। मिर्ज़ा फवाज बेग, एडवोकेट फवाज बेग, जो जमियत उलमा के महाराष्ट्र के मेम्बर हैं। सिराज अहमद साहब, ये पूर्व कारपोरेटर हैं और जमियत उलमा के महाराष्ट्र के मेम्बर हैं। जाहिद अंसारी साहब, ये भी जमियत उलमा से के मेंबर हैं। जावेद अख्तर साहब, जमियत उलमा नागपुर के सचिव हैं। और अतीस कुरैशी साहब, जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं जमियत उलमा नागपुर। और ये डॉक्टर सरफराज साहब हैं, जो कॉप मेंबर है जमियत उलमा महाराष्ट्र के और जमियत उलमा नागपुर के रुकन भी हैं। ये जो पत्र परिषद ले जा रही है, ये CAA के विरोध में पूरे देशव्यापी आंदोलन चल रहा है। सभी धर्म के लोग इसमें सहभाग कर रहे हैं। जमियत उलमा भी चूँकि एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी है, तो और इसने देश की आज़ादी से लेकर अब तक देश की भलाई के लिए, देश के देशवासियों के लिए जहां भी तकलीफें हुई हैं उसमें खड़ी हुई है। और इसी कड़ी में हमने एक 2 दिवसीय आंदोलन, धरना आंदोलन भी लिया हुआ है। पिछली बार 29 और 30 जनवरी को, और 30 जनवरी को महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी हमने। और इस हमारे संविधान के नायक, संविधान बनाने वाले आदरणीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को भी श्रद्धांजलि हमने दी वहाँ पर। और इसके सिलसिले में सारे देशव्यापी आंदोलन किया जा रहा है और हम मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि CAA को वापस किया जाए। इसी के साथ NRC के बारे में और NPR के बारे में भी हमें कड़ी आपत्तियाँ हैं। NRC का हम पुरजोर विरोध करते हैं और NPR जो कि NRC की सिमट में पहली कड़ी है, NPRs का डाटा NRC के लिए यूज़ किया जा सकता है, जैसा कि एक अध्यादेश 2004 में आया हुआ है, एक गवर्नमेंट रूल बनाया हुआ है। तो ये NPR बहुत सारे राज्यों ने, केरला ने, वेस्ट बंगाल ने, पंजाब ने और बहुत सारे राज्यों ने एक विशेष अपना अधिवेशन बुलाकर इसे उन्होंने रद्द करने की मांग की है। और उन्होंने ये कहा है कि हम हमारे राज्यों में इन्हें लागू नहीं होने देंगे। तो इसी प्रकार से हम यहाँ इस पत्र परिषद द्वारा महाराष्ट्र के हमारे मुख्यमंत्री माननीय उद्धव जी ठाकरे, जिन्होंने स्वयं ये कहा है कि NRC से सिर्फ किसी एक धर्म को तकलीफ नहीं होने वाली है, इस कानून की, इस NRC से हर एक देशवासी को तकलीफ होने वाली है, और विशेषता वे लोग जो शोषित हैं, वंचित हैं, अशिक्षित हैं, आदिवासी हैं, गरीब हैं, जिनके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट शायद नहीं होते हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ होने वाली है। तो उनके ये कहने के बावजूद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी ये कहा है कि NPR का अध्यादेश जारी किया है, महाराष्ट्र सरकार अध्यादेश NPR को लागू करने के लिए तैयारियां कर रही हैं। तो कल 2 दिन पहले कमलनाथ जी ने भी कहा कि हम मध्य प्रदेश में NPR नहीं लागू होने देंगे। तो उसी सिलसिले में हम आज इस पत्र परिषद द्वारा हम माननीय उद्धव ठाकरे जी से विनंती करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि वे भी अन्य राज्यों की तरह एक विशेष सत्र बुलवाएँ, या फिर 24 फरवरी से अधिवेशन शुरू हो रहा है, इसमें CAA NRC और NPR के विरोध में प्रस्ताव पारित करें। जमियत उलमा का एक राष्ट्रीय अधिवेशन 23 फरवरी को मुंबई में होने वाला है, आज़ाद मैदान में। उसके द्वारा भी हम जमियत उलमा महाराष्ट्र की ओर से उद्धव ठाकरे जी को, जमियत उलमा महाराष्ट्र और जमियत उलमा हिंद, ये दोनों उद्धव ठाकरे जी को हम एक निवेदन जरूर दें और ज्ञापन जरूर देंगे। देखिए, इसके बारे में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय अरशद, मौलाना अरशद बद्री साहब, और हमारी जो राज्य की कार्यकारिणी है, इनका अभी 23 फरवरी को एक अधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है। इसमें जैसे हमारे लीडर्स, हमारी सेंट्रल लीडरशिप जिस तरह से हमें इंस्ट्रक्शंस देगी, हम उसको फॉलो करेंगे। मैं दूसरी चीज़ में, जो NPR के लिए हमने उद्धव ठाकरे जी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो मौजूदा NPR का जो डाटा है इस वक्त, अगर वो इसको छोड़ के, इसको हटकर 2011 के अंदर जो NPR हुआ है,
अगर वो फॉर्मेट पर अगर वो जनगणना सेंसेक्स करते हैं तो हम उसके लिए उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मौजूदा एनपीआर को उनको हटाना पड़ेगा। 2011 में जो एनपीआर हुआ है उसके लिए हम तैयार हैं। और हमें ये मालूम ऐसी हुई है कि इस आपके चैनल यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम ये कहना चाहते हैं कि इसका सर्कुलर और जीआर कलेक्टर साहब के पास आ चुका है। दूसरे जिलों के अंदर कलेक्टर मीटिंग बुलवा कर उसको वो नोटिफिकेशन महाराष्ट्र का नोटिफिकेशन जो आया उसको बता रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, लेकिन हमारे कलेक्टर साहब अभी तक उन्होंने नोटिफिकेशन को कुछ तो कलेक्टर साहब से भी हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि वो जो नोटिफिकेशन आया हुआ गवर्नमेंट का वो उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर उसको जारी करें, बताएं कि उसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वो मांगना चाह रहे हैं। अभी तक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लिए, इसलिए कि अगर उसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसे अगर आप मांगते हैं पता नहीं वो कब कॉन्फ्रेंस लेंगे, कब पब्लिक को जनता को बताएंगे, तो जनता अगर कोई कागजात ऐसे जो उसके पास नहीं होगी अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी ले लेते हैं तो 2 महीने का वक्फा है, वो उसके लिए तैयारी कर ले और उसको बना लेंगे वो कागजात। 2011 का एनपीआर मान्य है, अभी मसला ये है कि अगर आप 2011 का एनपीएल का मैनुअल को फॉलो करेंगे तो उसके मैनुअल का चार्ट और आपके यहाँ का अभी जो टेबलिंग है वो डिफर करता है। 2011 के चार्ट में अगर एक फैमिली ट्री स्ट्रक्चर का ऑप्शन दिया हुआ है उसमें एक चीज़ दी है कॉलम नंबर 13 की कि अगर आपके घर में फादर मदर और स्पाउस इनमें से कोई जीवित नहीं है तो वहाँ पे सिर्फ आपको एफ लिखना है फादर की जगह, मदर की जगह एम लिखना है और स्पाउस की जगह एस लिखना है। मगर 2020 का जो मैनुअल है इसके अंदर में मेंशन है कि आपको अगर वो जीवित नहीं भी है तो उसमें आपको ये पूरा कॉलम फिलअप करना है जिसके अंदर में प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। अब अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की अगर बात हमने सुनी है और एनपीआर के ताल्लुक से अगर देखा है तो उनका कहना है कि ये जो चीज़ है सोशल वेलफेयर और जो स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लोकल लोगों तक या नीचे के समाज तक नहीं पहुँचती हमारा देखना वो है। तो एक छोटा सा सवाल मैं आपके माध्यम से ये करना चाहता हूँ कि उसको मैं चैलेंज भी कर सकता हूँ कि मैं उसके लिए बाकायदा प्राइज मनी दे सकूँ कि कोई एक आदमी मुझे ऐसा बता दे कि मेरे डेथ मदर फादर का डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लेने से मुझे कौन सी स्कीम ऐसी है जो दी जा सकती है। मतलब ये एक अनोखा और अटपटा सा सवाल है कि मेरे फादर की डेट ऑफ बर्थ और मदर की डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ ऑफ प्लेस जानने से मुझे कोई स्कीम मिलेगी, तो ये थोड़ा सा अटपटा सा है। यही चीज़ें हैं जो शुकूक जो चीज़ें 2013 के 2020 के और 2011 के एनपीआर में डिफर करती हैं। फवाज मिर्जा, फवाज मिर्जा एडवोकेट फवाज मिर्जा। और देखिए यहाँ पर परिषद में आप लोग जो उपस्थित हैं मैं जमीयत उलमा की ओर से आप सबका धन्यवाद देता हूँ। और जैसे कि ये कहा जाता है कि मीडिया हमारे लोकतंत्र पे एक सुतूनों में से एक बुनियादों में से एक बुनियाद है और हम आप लोगों से निष्पक्ष जो हमारे साथी मीडियाकर्मी यहाँ उपस्थित हैं मैं हम आपके द्वारा आपसे निवेदन करते हैं कि जो पब्लिक की जो आम जनता की जो तकलीफें हैं इनको सरकार तक इनकी बातें सरकार तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी और आपका काम है जिसको आप नागपुर का मीडिया बहुत अच्छे से कर रहा है हम बिल्कुल कह सकते हैं। और हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप इस पत्र परिषद को भी अपने अखबारों में अपने मीडिया में हमें जगह दें, जो सही बात है वो सरकार तक पहुँचाएँ, जो लोगों की परेशानियाँ हैं वहाँ तक पहुँचाएँ, क्योंकि देश के विकास के अंदर जब सारे लोग सुखी होंगे सब धर्म संभव होगा तभी देश तरक्की करेगा देश विकास करेगा। तो देश के विकास में आप लोगों का सबसे बड़ा अहम किरदार है, बहुत अहम रोल है और हम आप द्वारा आप लोगों से विनती करते हैं कि आप इसी प्रकार से निष्पक्षता से सच को दिखाते रहें, सच को बताते रहें, सच का सबको सच बताते रहें।
यदि आपको इस हमारा जो प्रोटेस्ट हो रहा है और जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं इसमें यदि आपको अगर कोई शंका हो या हमसे कुछ पूछना हो तो आप यू आर मोस्ट वेलकम। आपने बोला कर बहुत सारी क्या होते हैं कि दुष्प्रचार जो फैलाया जा रहा है, हम इन पत्र परिषदों द्वारा हमारे आंदोलन द्वारा ये सारे दुष्प्रचार को मिटाना चाहते हैं और जो असली चेहरा है वो जनता को और आपके माध्यम से सारे देश की जनता को दिखाना चाहते हैं। जी गवर्नमेंट अगर नहीं मानती है आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करती है जी, आपने अपील तो कर ली रेगुलेशन पास कर दिया जी, आप लोगों को दे दिया जी, गवर्नमेंट वैसा नहीं करती है आपकी भूमिका क्या है? हमने इसके पहले भी कहा, इसके पहले भी हमारे साथी ने एक सवाल पूछा था यही, तो इसमें हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अधिवेशन है और जो हमारी स्टेट लीडरशिप जो है वो बैठकर उस पर मंथन कर रही है। 23 फरवरी को आज़ाद मैदान में शाम को 5 बजे से एक अधिवेशन, तो 23 तारीख से शुरू है राष्ट्रीय अधिवेशन, उसके अलावा 22 तारीख से राष्ट्रीय अधिवेशन है, उसके अलावा 23 तारीख को एक विशेष प्रोग्राम है जिसमें सर्वधर्म संभाव और नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर एक प्रोग्राम है जिसमें मौलाना अरशद बद्दी साहब स्वयं वहाँ पर रहेंगे। उसके अलावा हमारे यहाँ के मंत्रीगण भी हैं, अलग अलग समाज से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे वक्तागण हैं जो ये जो परेशानियाँ हो रही हैं इसके बारे में सारी जनता को अपनी बात रखेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन सब के आने के बाद में सरकार इस बात को मान जाएगी, क्योंकि हम उद्धव जी ठाकरे की इस बात पर बिल्कुल विश्वास रखते हैं कि जैसे उन्होंने कहा है कि NRC से हर एक देशवासी को तकलीफ होने वाली है और वो उद्धव ठाकरे जी एक अच्छी नज़र सोच रखने वाले एक नेता के तौर पर उभर कर आए हैं इस हमारे राज्य में जो निष्पक्ष तौर से हुकूमत करना चाहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी बात मान जाएगी। 2011 की तर्ज पर होना चाहिए जी बिल्कुल, अगर ये 2011 के तर्ज पर हुआ तो हम पूरी तरह उसमें समर्थन देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं।